वैष्णो देवी मंदिर उत्तर भारत में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर, जिसके दर्शन के लिए पूरे भारत से लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। लेकिन इस मंदिर के पीछे छिपी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, तो चलिए जानते हैं माँ वैष्णो देवी मंदिर की कहानी। हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग में जब पृथ्वी पर राक्षसों और दानवों का अत्याचार चारों ओर फैल रहा था, तो पृथ्वी से उनके प्रकोप को बचाने के लिए महागौरी, महालक्ष्मी और महासरस्वती माँ ने अपनी शक्तियों को जोड़कर माँ वैष्णो देवी को जन्म दिया। पृथ्वी पर सभी दानवों का विनाश करने के बाद माता वैष्णो देवी इंसानी रूप में धरती पे ही रह गई, ताकि दानव पृथ्वी पर अपना प्रकोप फिर से ना फैला सके। इंसानी रूप में माता वैष्णवी बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। उनकी तपस्या देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए भगवान राम के रूप में, लेकिन प्रभु माता सीता से पहले से ही विवाहित थे। प्रभु राम ने उन्हें वचन दिया कि एक दिन वो जरूर वापस आएंगे और अगर वैष्णवी ने उन्हें पहचान लिया तो वो उनसे विवाह करेंगे। माता सीता को लंका से बचाने के बाद प्रभु राम अयोध्या के राजा बन गए। इस पूरे समय माता वैष्णवी उनका इंतजार करती रही। एक दिन वैष्णवी से मिलने एक वृद्ध व्यक्ति आया और उनसे शादी की इच्छा जताने लगा, परंतु वैष्णवी ने उन्हें इनकार कर दिया। बाद में उन्हें पता लगा कि वो वृद्ध व्यक्ति प्रभु राम ही थे और वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाई। पर देवी की कठोर तपस्या देकर प्रभु राम ने उन्हें एक और वचन दिया कि वो अपने 10वें अवतार में जब आएंगे तो उनसे विवाह करेंगे और तब तक उन्हें उनका इंतजार करना होगा त्रिकुटा पर्वतों पर। प्रभु ने उनकी सुरक्षा के लिए बंदरों की सेना भी उन्हें दी। वचन देने के बाद प्रभु राम वहां से चले गए। माता वैष्णवी कई सालों तक वहां पर ध्यान करती रही। वो जगह जगह जाके वहां के लोगों की मदद करती थी। उनके इस व्यवहार से वहां के तांत्रिकों की गरिमा कम हो रही थी, जिनमें से एक बाबा थे बाबा भैरवनाथ। जब भैरवनाथ ने माता वैष्णवी को देखा तो उनकी सुंदरता देखकर वो स्तब्ध हो गए और उनका पीछा करने लगे। माता वैष्णवी उनसे बचने के लिए एक गुफा में चली गई और 9 महीने तक वहीं ध्यान लगाया। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहता है, भैरवनाथ को उनकी जगह का मालूम पड़ गया और उनको पकड़ने वो वहाँ पहुँच गए। तब माता ने काली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का सर काट दिया। अपनी मृत्यु को देखकर भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो माता से माफी मांगने लगे। माता अपने वैष्णवी रूप में वापस आ गई और भैरवनाथ को माफ कर दिया। माफी के साथ साथ माता वैष्णवी ने भैरवनाथ को वरदान भी दिया कि जो कोई व्यक्ति माता वैष्णवी के दर्शन के लिए त्रिकुटा पर्वतों पर आएगा, माता के भवन आएगा, अगर वो व्यक्ति भैरवनाथ मंदिर के दर्शन किए बगैर वापस जाता है तो उसकी ये कठिन परिश्रम यानी कठिन यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। इसीलिए माता के भवन से कुछ किलोमीटर ऊपर भैरवनाथ का मंदिर भी स्थापित है और उस मंदिर के दर्शन करना माता वैष्णवी की यात्रा का ही हिस्सा है। पूरे भारत से पूरे साल लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। माता के दर्शन के बाद वो भैरवनाथ के दर्शन भी करते हैं। तो ये थी माता वैष्णो देवी मंदिर की कहानी। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा अगला वीडियो भी देख पाएं। हमारे अगले वीडियो में हम आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा पर अपने साथ ले चलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिपो गाइड। आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।